एवरीवन, दिस इज रीना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना अनु ब्लॉग। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। बाबा भोलेनाथ करें कि आप लोगों के जीवन से सारे कष्ट सारे दुख खत्म हो जाएं और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों। तो आज का ब्लॉग महाशिवरात्रि स्पेशल है और आज है मेरा फास्ट नीरा जला उपवास और मेरे घर में भी सब लोग फास्ट हैं। तो मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ और पूजा पाठ भी मेरा हो गया है और मेरी फैमिली का भी हो गया है। घर पे सब लोग पूजा पाठ कर लिए हैं और अभी मंदिर गए हुए हैं भगवान जी का अभिषेक करने के लिए। मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा नीरा जला फास्ट था और कुछ रीज़न भी है। और आज क्या स्पेशल है, तो आज स्पेशल ये है कि आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे, लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं होने वाली है क्योंकि आज है मेरा फास्ट। तो आज स्पेशल यही हो गया। तो आज स्पेशल क्या था, स्पेशल यही था कि आज मेरा बर्थडे है, महाशिवरात्रि के दिन पड़ा है इस बार और मेरा फास्ट है, तो कोई सेलिब्रेशन नहीं होने वाली। एंड सारा काम निपट चुका है, खाना वाना बनाने का झंझट आज है नहीं, तो पूरा दिन मैं रेस्ट ही करूँगी आज। मतलब रेस्ट नहीं है। ये देखो तो फास्ट है, इसलिए बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, कपड़े वगैरह भी फोल्ड करके रखने हैं। और सिर्फ मेरा नीरा जला फास्ट है, बाकी सब लोग फलाहार हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो बनता रहेगा दिन में। एंड आज का सेलिब्रेशन में भी कल मैं केक वेक खाती, आज तो कुछ भी ऐसा नहीं है। बोल रहे थे घर में लोग कि केक लाते हैं कटिंग हो जाए, पर केक कट करके क्या होगा तो मैं ही नहीं खाऊंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आज नहीं, कल करते हैं जो भी करना है। तो मैं भी कल केक आए या फिर मैं उसे कटिंग करूँ कट करूँ। और कोई नहीं, मेरे को उतना शौक भी नहीं है बर्थडे मनाने का, और पूजा पाठ बर्थडे के दिन मुझे यही एनफ रहता है मेरे लिए। और क्योंकि अभी हमें बच्ची तो लगी नहीं है, बच्चों के ऊपर ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। हो चुका है, बेडशीट मैंने निकाल के बाहर रख दी है, वो अब वॉश होगा कल या परसों। एंड पूरा बेड सेट हो गया है, कमरे पूरा रूम ही सेट हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और गर्मी आ गई है, अब मोटी चद्दर से छुट्टी मिलेगी धुलने से। और अब मैंने कॉटन की बेडशीट डाल दी क्योंकि रात में अब ठंड नहीं लग रही है, बेडशीट भी गर्म हो जाती है और कंबल का यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी गर्मी लगती है इस वजह से अब जो है कि कॉटन के बेडशीट हम यूज़ करेंगे। हस्बैंड मेरे काम करने लगे हैं, ऑफिस है उनका, उनके लिए क्या फेस्टिवल कुछ पता नहीं चलता है। और मैं हेयर वॉश की तो थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, इसलिए मैं सोची थोड़ा सा धूप में आ जाती हूँ। और विटामिन डी लेना भी बहुत ज़रूरी है। और मेरे फूल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब
बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यार ये सब, खास कर से ये। और आप लोग शिवरात्रि में मतलब जल अभिषेक करने जाते हैं कि नहीं? मेरे यहाँ तो हस्बैंड गए थे, पिताजी भी गए थे चढ़ा के आए, और फिर मम्मी और डैडी फिर से गए हैं, मम्मी दूसरे टेंपल में गई हैं, और मैंने घर पे ही पूजा पाठ किया। मैं मंदिर नहीं जा सकती थी, मतलब नहीं जा सकती थी, अब रीज़न है, अब क्या बताऊँ। और आज फास्ट निराजला है, हस्बैंड मेरे बोले बोलो मत, चुपचाप तुम पड़ी रहो ना तुम्हें प्यास लग जाएगी। मैं बोली ऐसा थोड़ी ना होता है, और काम वाम मैंने प्रॉपर सभी निपटा लिया है, रूम वूम जो भी फैला था वो सब इकट्ठा कर लिया है, और मैं मेरे को लग रहा है आज मैं अच्छी लग रही हूँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक लग रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेकअप मेरे को करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं काफ़ी नेचुरली रहती हूँ। देखो माता जी पिताजी पूजा करके आ, ये देखो मम्मी मंदिर से पूजा करके आ गई हैं, क्या साड़ी वाड़ी पहन के चमक रही हैं, खोले हम आइए। ये देखो भगे भगे जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? मम्मी अपना डल्लू वल्लू पानी वानी सब कुछ लेके गई थी, और हम डैडी भी आ गए मंदिर से। भीड़ था डैडी? भीड़ था मंदिर में? ये तो मतलब ये तो अपना जाती है पति। देखो मेरे सामने ही गप्पा गप गप्पा गप जो कि खाया जा रहा है, और माता जी भी मेरी चाय बना रही हैं अपने लिए। अभी मेरा फास्ट नहीं होता तो कत्ते ही नहीं बना सकती थी, और कोई बात नहीं, थोड़ा सा सर में हेडेक हो रहा है, तो मैं अभी यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करूँगी, और मे भी मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।